स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और यहाँ पर नई बाइक आई है KTM की शोरूम में और उसी के लिए हम यहाँ पर शामिल हुए हैं और काफ़ी सारे लोग थे। अभी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा आगे। तो फिलहाल टाइम आता है कि मैं आपको जो बाइक लेटेस्ट लॉन्च हुई है KTM की तरफ से, KTM एडवेंचर 390, वो आपको दिखा देता हूँ और क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। गजब का लुक मिल जाता है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ है फिर से, तो आज आइए ये भाई आपको सारी डिटेल्स जो है बताने वाले हैं। पहले से वीडियो में आपको दिखाई थी, सारी डिटेल्स बताई थी, काफ़ी पसंद आया आपको, तो वही सब आज हम जानने वाले हैं बाइक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कैसी ये जो बाइक है होने वाली है। तो चलिए भैया, इसकी क्या खासियत है आप हमें वो बताइए कि जो बाइक अभी हम इतने एक्साइटेड हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं इस बाइक के लिए, तो क्या खास हमें मिल रहा है इस बार? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर टू कम बैक टू विजिट द KTM सहारनपुर वंस अगेन। एंड यस, आज हमने KTM 390 एडवेंचर लॉन्च किया है आपके सामने। जो लुक आप देख सकते हैं, जो फीचर्स आप देख सकते हैं, आउटसाइड के एक्सटर्नल आपकी इसकी पोजीशन देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, लेंथ, हर एक चीज़ें अलग दी हुई है। और ये चीज़ें अलग ही नहीं, जो उनका एक्सपीरियंस है KTM का, ठीक है सर, वो सब उन्होंने एक्सपीरियंस अपने एक सिंगल बाइक में डाल दिया है। उन्होंने बाइक बना दी अपनी KTM एडवेंचर 390, और दिस इज द ओनली ट्रू एडवेंचर बाइक इन इंडिया। दिस इज द ओनली ट्रू एडवेंचर बाइक इन इंडिया, बिकॉज ये जो बाइक है हर पर्पज़ के लिए, आप इसको डेली यूज में भी कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टूर के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऑफ रोडिंग के लिए भी सकते हैं। ये ऑफ रोडिंग का इट्स लाइक एन एरोप्लेन फॉर दी ऑफ रोडिंग, लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट दी एडवेंचर 390। अगर मैं इसकी चीज़ें आपको बताना शुरू करता हूँ तो आप ये चीज़ सोच के हैरान हो पाएंगे कि क्या फीचर्स दिए गए। चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टायर्स की बात करते हैं। टायर्स में जो दिए गए हैं आपको, आपको ऑफ रोड के टायर्स देखने को मिलते हैं, मैटजिलर कंपनी के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि आपका ट्यूबलेस टायर दिखाए गए यहाँ पर। उसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ तो व्हील बेस की बात करता हूँ, तो इसका जो व्हील बेस दिखाया गया है वो क्या बहुत ही लॉन्ग व्हील बेस दिखाया गया है, जो आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। व्हेन यू ड्राइव द लॉन्ग यू गेट अ कंफर्टेबल राइड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ व्हील बेस। आफ्टर दैट यू कैन सी द ग्राउंड क्लीयरेंस। ग्राउंड क्लीयरेंस जो दिखाया गया है वो 200 mm दिया गया है, जो आपके बाइक को, आपके इंजन को सेंट्रलाइज करता है। उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन दिए गए हैं, जो अपने आप में एक फीचर्स हैं। ये देखिए सर, ये है लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन जो इंस्पायर्ड है 450 रैली, जो कि हमारी डकार बाइक है, उससे ये सस्पेंशन इंस्पायर्ड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो उसका सस्पेंशन है 170 mm फ्रंट दिखाया गया है, और जो रियर दिया है 177 mm दिया गया है। ये आपको किसी भी प्रकार के, आप उसके ऑफ रोडिंग में जा सकते हैं, आपको यहाँ पे कहीं भी दिक्कत नहीं देखने को फेस करने वाले। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो प्लीज सर, यहाँ पे एक फीचर है मैं आपके सामने अनवील करना चाहता हूँ। ये आप इसको तो आप शैशे देख रहे हैं, जो इसके शैशे है, या ये नॉर्मल शैशे नहीं है, ये हमारा जो हमारा 450 रैली बाइक है, जो हमारे डकार रैली में यूज होता है। ये जो रैली होती है वर्ल्ड की टफेस्ट रैली होती है, ये उस रैली, उस बाइक से इंस्पायर्ड है, 450 रैली से इंस्पायर्ड है, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया गया हूँ कि ये आपका आपकी जो लॉन्ग ट्रेवल में आप चलते हैं तो आपका वेट रिड्यूस करता है, आपने एक स्टफिनेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो ये एक स्पेशल फीचर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें KTM ने जो डाली हुई हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। इसको बोलते हैं टूथ फुट पैक्स। ये टूथ फुट पैक इसलिए बोलते हैं कि आप इसको निकाल सकते हो ऑफ रोडिंग में, जब आप के पैर मड में आप हों, क्यों आपके पैर ग्रिप नहीं अच्छी पकड़ पाते, तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं टूल के द्वारा, और आपके इस जो आपके पैर होंगे इस पर आपकी ग्रिप बेटर बन पाती है। उसके अलावा ये एग्जॉस्ट दिया गया है, अपराइट एग्जॉस्ट इसको बोलते हैं सर, ये भी ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए दिया गया है। इतनी चीज़ें वो सोचने के बाद बाइक निकाली है कि जब आप ऑफ रोडिंग में चलाते हैं तो रिवर्स आती हैं, मर्स आती हैं, आपके इसमें आपको साइलेंसर को हानि नहीं पहुंचने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका इंजन गार्ड, जो इंजन गार्ड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इधर आपको देख सकते हैं स्टील का प्रोवाइड किया गया है, और ये आपके इंजन को प्रोवाइड करता है मड से एंड स्टोन से, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग में चलाने वाले हैं तो आपको बहुत चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लेग गार्ड बहुत स्टाइलिश दिया गया, अलग लुक एक लेग गार्ड का देखने को मिलता है। और चलिए हमने वॉक अराउंड को देख लिया, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की। ये आप सबसे स्टार्ट करते हैं हम इसकी कंफर्टेबल, जो आपकी आप सीट देख रहे हैं बहुत स्प्लिट कंफर्टेबल लुक दे रही है, और एक अलग टेक्सचर इसका सीट का अपना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, एक अलग लुक दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ टैंक की, 14.5 लीटर टैंक दिया गया है, जो आप मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 400 किलोमीटर की प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो 25 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है जो इसका टैंक है, इसमें भी एक अपना स्पेशल फीचर है, फाइबर का बना हुआ है,
ये मेटल का नहीं, ये फाइबर का है। जो अपना वॉक अराउंड था हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मैं बात करता हूँ स्मार्ट राइडिंग एड्स। स्मार्ट राइडिंग एड्स वो ऐसे एड्स हैं जो फर्स्ट इन दिस क्लास, जो आपके पहली बार एडवेंचर की 90 देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका कोर्निंग ABS है, ऑफ रोड ABS दिया गया है इसके अंदर, और KTM माई राइड एज वेल एज आपका क्विक शिफ्टर प्लस दिया गया है, जो आपका कॉर्निंग सेंसर है। आपको जो लीड एंगल पे आप बाइक टर्न करते हैं आप उसमें ब्रेक नहीं मार सकते, पर अब आपकी बाइक में कॉर्निंग सेंसर है तो आप चीज़ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बाइक को लीड एंगल पे कॉर्नर पे आराम से आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। इसके अगर मैं अलावा बात करूँ तो आपकी बाइक में ऑफ रोड ABS दिया गया है। ऑफ रोड ABS से काम यह करता है, जब आप ऑफ रोड ड्राइव करते हो राइडिंग करते हो तो उसमें ड्रैग की जरूरत होती है कहीं ना कहीं, जो आपका पिछला व्हील होता है वो आपको लॉक करना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर इसके फीचर्स सारे सुन लिए हैं, और अब बात आती है कि हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपको क्या प्राइस मिल जाता है, तो क्या हमें प्राइस मिल जाता है, शोरूम प्राइस क्या है इस बाइक का? अगर सर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो ऐसी एडवेंचर सीरीज ऐसी ऑफ रोड बाइक के लिए आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा बहुत ही मिनिमम है, वो जो प्राइस है 2,99,721 रुपए आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये काफी बढ़िया प्राइसिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। और ऑन रोड क्या प्राइसिंग है पड़ जाएगी? ऑन रोड जो प्राइस है आपको सर 3,52,000 अप्रोक्सीमेट है, तो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग आपको मिल रही है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल गई हैं। और चलिए एक थोड़ा सा बाइक का मैं आपको दूसरा जो कलर है उसका लुक दे देता हूँ और राइड देख लेते हैं कैसी यहाँ पर हमारी रहती है। दबा दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेगा तो रोज ऐसी वीडियोस, ऐसी बाइक्स जो आपको पसंद है आपके काम में आए। दोस्तों मैं हूं फहीम, खुदा हाफिज़।